वही सर, सरकार 24 जून वाला समझौता लागू नहीं कर रही। क्या समझौता किया सर? वो सारे लग रहे हैं, समझौता किया नहीं था नहीं सर, किया था सर, लिखित में किया है सर, समझौता सर लिखित में हुआ है सर, दिया नहीं आपको है सर। इतना बड़ा भी फोटो साइन देखा लोगे तो बस तीन प्रतिनिधि हो गए, तीन एक जिला प्रतिनिधि हो गया, एक अपने पीओ सर हो गया, बस ठीक है। वीडियो सर अब ये बेस कर रहे हो, कलेक्टर को बेस कर रहे हो? जी हां सर, ये देख कलेक्टर सर डेट मार्क से कट है। जून 2017 में सरकार से पंचायती राज सेवा परिषद की कुछ मांगों को लेकर के और लिखित समझौता हुआ था सरकार के साथ में, उनमें से एक भी जो शर्त थी उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है और सरकार ने एक भी शर्त को माना नहीं और उसको लागू नहीं किया है। इसके विरोध में हम आज पंचायती राज सेवा परिषद, जिसमें तीनों ही एसोसिएशन शामिल हैं, वो आज ये ज्ञापन सीओ साहब को दिया है और आगे भी चरणबद्ध आंदोलन के लिए राज्य सरकार को ज्ञापन आज भिजवाया है। आपकी प्रमुख मांग क्या है? सभी संवर्ग जो है, ग्राम सेवक, जो ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग है और पीओ संवर्ग और जो आरडीए संवर्ग है, तीनों की अपनी अपनी मांगे हैं, जो उसमें समझौता हो रखा है लेकिन उस समझौते को लागू नहीं किया गया। हमारी मुख्य मांगें जो आरडीएस 2007 का कैडर गठित होने के बाद भी अभी तक पदोन्नति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जा रहा है सरकार द्वारा, और न केवल पदोन्नति, अभी कोई चैनल भी निर्धारित नहीं किया जा रहा है। इससे विकास अधिकारी जो आरडीएस एसोसिएशन है वो आहत है और पीओ संघ भी जो पंचायत प्रसार अधिकारी गण है उनके भी सहायक सचिव के पद पर प्रमोशन होने थे वो भी अभी नहीं हो रहे हैं। ग्राम सेवक गण हैं जो ग्राम विकास अधिकारी है उनको भी अभी पदोन्नति या पीईओ के रूप में मिलनी थी वो भी नहीं मिल रही है, तो विभिन्न और ग्रेड पे को लेकर भी विसंगतियाँ थी, उनको भी दूर करने के लिए सरकार द्वारा जो हमें समझौता हुआ था लेकिन अभी भी एक वर्ष बीतवा जाने के बावजूद भी पालना उनकी हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, अमल नहीं हो रहा है, इससे पूरी परिषद आहत है और इसको लेकर हम चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं। आगे की क्या योजना आपकी? ये हमारा पूरा शेड्यूल हमने दिया गया है, सरकार को भी अवगत करवा दिया गया है। हम 14 मई को फिर पुनः काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करवाएगी हमारी पूरी परिषद और 21, 22 और 23 को सामूहिक अवकाश रहकर भी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे।